हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, विच कंट्री इज रिकॉग्नाइज हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमने हमास को देखा है, जो गाजा स्ट्रिप पे रूल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसको कौन कौन से कंट्रीज एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखती है। तो चलिए देखते हैं। इसराइल डिजिग्नेटेड लश्कर तैयबा LET एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्यूजडे नवंबर 21, कॉलिंग इट अ डेडली एंड रिप्रेहेंसिबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडियन सिविलियंस एज वेल एज अदर्स। तो लश्कर ए तैयबा को ये लोग टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। द मूव कम्स अ फ्यू डेज अहेड ऑफ एनिवर्सरी ऑफ 26/11 टेरर अटैक मुंबई। द डिजिग्नेशन ऑफ द LET लश्कर ए तैयबा इज बींग सीन एज अ नज टू इंडिया टू डू द सेम विद द हमास। Only a handful of jurisdictions in the world currently designate Hamas as a terrorist organization. India initially described the Hamas raids on southern Israel as a terrorist attacks, but has since spoken of the need for a two-state solution to Israel-Palestine conflict. तो इंडिया पहले तो भाई फेवर में था, पर जब इसराइल रिआइट्रेट मतलब इसको रेसिप्रोकेट किया उनके अटैक को, तो आप देखिए फिर इंडिया थोड़ा सा चुप हो गया, बोल रहा है कि भाई लड़ाई खत्म करो, टू स्टेट सोल्यूशन दो। विच कंट्रीज हैव डिजिग्नेटेड हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कौन से कंट्रीज हैं वो। अपार्ट फ्रॉम इसराइल, सिक्स कंट्रीज अलॉन्ग विद द यूरोपियन यूनियन कंसिडर हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन, द यूरोपियन यूनियन हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन 2001 इन द वेक ऑफ 9/11 अटैक्स इन द US। The decision was annulled in 2014, The Guardian reported. This was on procedural grounds, on the lack of sufficient evidence to maintain in assets freeze and travel bans against Hamas. The nation was then reinstated. The European Union court rejected the Hamas appeal to delist it in 2019. तो European Union मानता है। ऑस्ट्रेलिया, द मिलिट्री विंग ऑफ हमास द इज अल दिन अल कसम ब्रिगेड्स वॉज लिस्टेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाई ऑस्ट्रेलिया इन 2003 एंड 2022 इट लिस्टेड हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर ए क्रिमिनल कोड। तो ऑस्ट्रेलिया भी मानता है। कनाडा, द कैनेडियन गवर्नमेंट डिस्क्राइब हमास एज अ रेडिकल इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज फर्स्ट लिस्टेड सच एज एस सच इन 2002। कनाडा मानता है। यूनाइटेड किंगडम, इनिशियली द यूके गवर्नमेंट प्रोस्क्राइब्ड हमास मिलिट्री विंग इन 2001, बट दिस वाज एक्सटेंडेड टू ऑल ऑफ हमास इन 2021। जापान, फॉलोइंग द हमास अटैक ऑन अक्टूबर 7, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर नॉट हेलो, सॉरी माइक प्रॉब्लम था, सॉरी। कहाँ थे हम लोग। नॉट हैव लीगल सिस्टम फॉर लीगली डिजिग्नेटिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव अंडर द कैबिनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सितंबर 30, 2003 डेजिग्नेटेड हमास एज अ सब्जेक्ट टू जापान
एसेट फ्रीजिंग फॉर टेररिस्ट और अदर अमंग द अदर मेजर्स। ठीक है, तो जापान भी यहाँ पे इस लिस्ट में है। पराग्वे, इन 2019 पराग्वे बिकम द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो डेजिग्नेटेड अलकायदा एंड आई ऑन द सेम डे। यूनाइटेड स्टेट्स, द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हमास एंड टू अदर पैलेस्टीनियन ग्रुप, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद पीआईजे एंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन पीएफएलएफ एज फॉरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 1997। दिस ग्रुप्स वर ऑल्सो लिस्टेड एज स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट एस डी जी टीज इन अक्टूबर 2001। यूएसए, व्हाट डज डेजिग्नेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटेल? तो भाई तुम किसी को टेररिस्ट बोल दो उससे क्या मतलब, क्या फायदा पड़ रहा है हमें? गवर्नमेंट डेजिग्नेट्स टेररिस्ट अंडर स्पेसिफिक नेम्स सच एज टेररिस्ट एक्ट 2002 इन द यूके एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 इन इंडिया। द डेजिग्नेशन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड कैन अट्रैक्ट अ रेंज ऑफ curbs including the freezing of assets and of properties of the designated organization. Currently 44 organizations are designated as terrorist organization. तो ये आपके इसराइल का लोकेशन हो गया, ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, ये मेडिटेरेनियन सी इसके वेस्ट में, ये आपका आपका ये यहीं पे आपका जेरूसलेम है। ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, और यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो आपकी हमास है। तो इन्होंने रिसेंटली लश्कर तैयबा को इसराइल ने एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किसके फेवर में किया? इंडिया के फेवर में। अच्छा, और ये क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इनको इंडिया से एक्सपेक्टेशंस है ना कि आप हमास को अब क्या करो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप भी मानो। हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन मानता है? इसराइल +6। ठीक है, अब आप देखिए, हम लोग ये देखिए अगर मैप में, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया आपका, ये यूएसए, कनाडा। ठीक है, नीचे में अगर हम लोग देखें जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका यहाँ पे पराग्वे आता है, आपका बीच में यहाँ पर है पराग्वे मानता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे यूके आ गया। बस आप मैप देखो, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है। यहाँ पे यूके आ गया, ये पूरा यूरोपियन यूनियन मानता है। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे एशिया चल रहा है। ठीक है, ये पूरा एशिया चल रहा है, ये इंडिया रहा, जापान मानता है। ठीक है, आप देखिए और कौन कौन मानता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के नीचे में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया भी मानता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इज़राइल यहाँ पर खुद ही है बीच में 8, तो इज़राइल मानता ही है। तो आप देखिए इतने लोग तो मानते हैं, देखिए यूरोपियन यूनियन देख लिया, ऑस्ट्रेलिया देख लिया, कनाडा देख लिया, यूनाइटेड किंगडम देख लिया, स्टेट देख लिया, प्राग देख लिया हमने, और जापान देख लिया। ये सारे लोग
जिसको टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। अच्छा, और टेररिस्ट ग्रुप में क्या होगा इंडिया में, कैसे इंडिया में क्या फायदा टेररिस्ट ग्रुप अगर हम लोग किसी को मानते हैं, मान लो किसी को भी टेररिस्ट बोल दो क्या जा रहा है, नहीं यूएपीए एक्ट के अंदर हम लोग टेररिस्ट मानते हैं और उसके शेड्यूल में अगर हम लोग टेररिस्ट मानते हैं तो उनके जो भी प्रॉपर्टीज होंगे इंडिया में उसको गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है, कॉन्फिस्केट कर लेगी गवर्नमेंट, वो सारे प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ले लेगी, उनके ऊपर अलग रिस्ट्रिक्शन लगेंगे उसके जो मेंबर्स होंगे। तो इसलिए फायदा होता है किसी को टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को मानने का। और इंडिया में कैसे होता है, यूएपीए एक्ट से होता है, आप देखिए यूएपीए से। और ये रहा आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, और सेम चीज टेररिज्म एक्ट 2000 यूके में माना जाता है। तो यही था इस आर्टिकल में। सो थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।